4 में क्या कहा, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदाउना इनल खैर व यामरूना बिल मारूफी व यनहाउना अनिल मुनकर। कि तुम में से एक ऐसी कौम होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अच्छा काम करे। आज का जो जनरेशन है, बच्चे बच्चे को टेक्नोलॉजी मालूम है, फास्ट एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे को आप क्या राह दिखा रहे हैं। अब बचपन से ही बच्चे को इस्लामी तालीम दी जाएगी, उसको इस्लाम समझाया जाएगा, माँ बाप के हुकूक समझाए जाएंगे, भाई बहन के साथ कैसा रहना है समझाया जाएगा, माशरे को किस तरीके से सुधारना है ये समझाया जाएगा, तो हमारा बच्चा बड़ा होकर जो है इस्लाम अपने अंदर से जाहिर करेगा या गैर इस्लामी हरकत करेगा। ओल्ड एज होम्स में कितने बूढ़े हैं उनका जाके इंटरव्यू लीजिए, बताएंगे हमारे बच्चों ने हमको छोड़ दिया। क्यों? बच्चे को बचपन में सिखाए वालिदैन के हुक्म क्या है। अगर बच्चा मुआशरे में कुछ गलत काम करता है किसके ऊपर नाम आएगा, हमारे ऊपर ही आएगा। क्या आपने बच्चे को तालीमा सिखाई कि मुआशरे को किस तरीके से सुधारना है? नहीं। जब नहीं सिखाएंगे तो उनके अंदर से इस्लाम कैसे निकल कर आएगा, ये सोच और ये फिक्र हमको रखना है। जो इस्लामिक स्कूल्स होते हैं इन्होंने बेहतरीन सिलेबस तराश कर सिलेबस रेडी रखा है हमारे लिए, मगर हमारे बच्चों के लिए मौका है। एक बच्चा जब 10वीं जमात में हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, उसके बाद वो 10वीं जमात भी ख़त्म करेगा, उसके बाद आप निकल जाओ सिविल सर्विसेज के लिए, उसके बाद आप निकल जाओ डॉक्टर बनने के लिए, उसके बाद आप निकल जाओ इंजीनियर बनने के लिए, उसके बाद आप निकल जाओ पायलट बनने के लिए, कुछ भी बन सकते, एक बार आलिम तो बन गए। तेज़ी से बच्चे जो है आज गलत कामों को अपने आप में समेट ले रहे हैं, अगर अभी भी हम उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे फ्यूचर खराब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अगर आप पढ़ेंगे सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 100 में, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, के अल्लाह मेरे बच्चों को साहले औलाद राइचियस सही अमल करने वाला बना दे। आपने और हमने कितने बार ये दुआ किए, कितने बार अल्लाह सुब्हान तआला से गिड़गिड़ा कर ये दुआ की है। एक एक बच्चा जब प्रोड्यूस होगा तो वो दाई इंजीनियर रहेगा, दाई डॉक्टर रहेगा, दाई पायलट रहेगा, दाई आईएएस ऑफिसर रहेगा, दाई आईपीएस ऑफिसर रहेगा, दाई पॉलिटिशियन रहेगा, कुछ भी उसको बनना है तो पहले दाई बनना है, उसके बाद बनना है उसका दुनियावी प्रोफेशन। हमारे ये बच्चे दीनी इल्म इस्लामिक स्कूल्स में हासिल कर कर दुनिया को बताएंगे, उनके सामने ये इमेज चेंज करेंगे कि मुसलमान सलमान नहीं हो सकता, सलमान सलमान हो सकता है तो वो मन परस्त हो सकता है।